आंध्र प्रदेश की संस्कृति। भारत की सांस्कृतिक विरासत में आंध्र प्रदेश की संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में वास्तुकला और चित्रकला अत्यंत विकसित रही है। भारतीय परंपरा में कुचिपुड़ी नृत्य शैली अपने आप में बहुत ही अनोखी है। कर्नाटक दक्षिण भारतीय संगीत ने आंध्र प्रदेश से बहुत कुछ ग्रहण किया है। दक्षिण भारत के कई प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार आंध्र प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा बहुत सी संगीत रचनाओं की भाषा तेलुगु ही रही है। द्रविड़ परिवार की चार प्रमुख साहित्यिक भाषाओं में एक तेलुगु का भारतीय भाषाओं में सम्मानित स्थान है। यह भाषा अपनी पुरातन शैली तथा मधुर प्रवाह के लिए जानी जाती है। आंध्र प्रदेश से बने नए राज्य तेलंगाना की मुस्लिम संस्कृति राज्य की सांस्कृतिक विविधता को और अधिक समृद्ध बनाती है। राज्य ने ललित कलाओं, नृत्य, नाटक, संगीत और साहित्य के पुनरुत्थान तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए स्वायत्त अकादमियां बनाई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक संस्कृति की प्रधानता है। राज्य के अलग अलग भागों में बोलियों, जाति व्यवस्था तथा आदतों में अंतर होने के कारण लोक कलाओं में अनोखी विविधता देखने को मिलती है। लोक गायकों द्वारा गायन, कठपुतली नाच, पौराणिक कथाओं का वाचन आदि इस क्षेत्र की कलाएं हैं। इसके ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो तथा टेलीविजन ने शास्त्रीय संस्कृति और शहरी जनता में लोक संस्कृति को फैलाने में अच्छी भूमिका निभाई है। आंध्र प्रदेश फिल्में बनाने वाले कुछ प्रमुख राज्यों में से एक है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी रामा चिल्का है। इस प्रदेश का राजकीय फूल चमेली और यहाँ का राजकीय पशु कृष्णा जिंका है। तमिलनाडु और कर्नाटक इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य है। इसकी जलवायु सामान्यतः गर्म तथा नम है। आंध्र प्रदेश में बनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली, उगादि, रामनवमी, वारालक्ष्मी व्रतम, राशि पूर्णिमा, विनायक चतुर्थी, दशहरा आदि शामिल हैं। यह पोंगल का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के सभी त्योहारों में कला एवं संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। चावल तेलुगु लोगों का मुख्य आहार है। इसे सामान्यतः अनेक प्रकार की करी और मसूर दाल या शोरबे के साथ खाया जाता है। इस राज्य के विभिन्न भागों में भोजन संबंधित भिन्नता भी देखने को मिलती है। यहाँ तेलंगाना के व्यंजनों पर फारसी तथा अफगानी भोजन का गहरा प्रभाव है। इसका कारण यह है कि तेलंगाना लंबे समय तक मुस्लिमों के नियंत्रण में रहा था। इस राज्य में पुलिहोरा या इमली और हरी मिर्च में पके चावल काफ़ी लोकप्रिय है। खट्टी चटनी, पछड़ी तथा अचार भी तैयार किए जाते हैं। इन्हें साल भर भोजन के साथ परोसा जाता है। बंदर लड्डू, पायसम, पूर्णालू, खाजा, गव्वालू, चकेरा, पुगली, बूंदी, रवा केसरी आदि प्रमुख मिठाइयां हैं। आंध्र प्रदेश के पुरुष मुख्यतः धोती और कुर्ता पहनते हैं। आजकल कुछ पुरुष कुर्ते के बजाय कमीज और टी शर्ट आदि भी पहनते हैं। यहाँ की महिलाएं
गोटेदार साड़ी पहनती है। इसके साथ ही कमर में कमरबंद भी इनकी पोशाक का हिस्सा होता है। पुरुष कमीज तदा गोटेदार लुंगी भी पहनते हैं। इसके अलावा शुभ अवसरों पर कंधे पर एक छोटी धोती डालने का रिवाज भी है।